हे गाइस, फाइनली सीएमए फाइनल का इंटर का और फाउंडेशन का न्यू सिलेबस 2020 आ गया है, 2022। और इस सिलेबस के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए हैं मैं बड़े ध्यान से सुनना, मैं बताऊंगा, शॉर्ट रखूंगा वीडियो को, डिटेल वाली बात बाद में करेंगे। अभी मैं बता देता हूँ कौन कौन से सब्जेक्ट नए आए हैं, कौन सा क्या हुआ है। आपको पता है फाउंडेशन में पहले चार पेपर होते थे, आज भी चार है। एक लॉ का होता था, आज भी बिजनेस लॉ का है। एक अकाउंट्स का होता था, फाइनेंशियल एंड कॉस्ट, में थोड़ी सी कॉस्ट अकाउंटिंग होती थी, वो आज भी है। एक मैथ्स का होता था और एक इकोनॉमिक्स का होता था। तो फाउंडेशन में पहले भी चार पेपर थे, आज भी चार ही पेपर हैं, और वो जो सेम थे जो पहले थे वो आज भी हैं। इंटर में चेंज आया है। आपको पता है इंटर में जो पहले लॉ का पेपर होता था उसके अंदर होता था कंपनी लॉ, बिजनेस लॉ, कमर्शियल लॉ, एथिक्स, चार चीजें होती थी। इन्होंने उसमें से जो ऊपर ऊपर से पढ़ के पता लग रहा है, अभी डिटेल कंटेंट में पढ़ूंगा वो अलग बात है, लेकिन जहां तक मेरा ख्याल है इन्होंने कंपनी लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ हटा दिया है। अब जो सब्जेक्ट का नाम रखा है स्पेसिफिकली रखा बिजनेस लॉज एंड एथिक्स। तो अब इंटर से कंपनी लॉ हटा दिया, इंटर में 100 नंबर का जो पेपर होगा उसमें बिजनेस लॉ एंड एथिक्स होगा, लॉ के पेपर में कंपनी लॉ और इंडस्ट्रियल लॉ हटा दिया गया। नेक्स्ट पेपर अकाउंट्स का था, वो आज भी अकाउंट्स का है। ये देखो तीसरी चीज बड़ी इंटरेस्टिंग है। आपको पता है पहले 100 नंबर का डायरेक्ट टैक्स होता था और 100 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स होता था। आज की डेट के अंदर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को कंबाइन करके 100 नंबर का एक पेपर बना दिया है। पहले क्या होता था कि ओल्ड कोर्स के अंदर जो भी 2016 वाला चल रहा है एग्जिस्टिंग, उसमें डायरेक्ट टैक्स ग्रुप 1 में होता था और इनडायरेक्ट टैक्स ग्रुप 2 में होता था। इन्होंने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स को एक ही पेपर बना दिया 100 नंबर का। और नेक्स्ट पेपर है कॉस्ट अकाउंटिंग, ग्रुप 1 में 4 पेपर हो गए। ग्रुप 2 के अंदर जो 4 पेपर है वो कौन कौन से हैं, ओएमएसएम पहले भी था आज भी है, कॉर्पोरेट एंड ऑडिटिंग, कॉर्पोरेट अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग पहले भी था आज भी है, ये फाइनेंशियल मैनेजमेंट, और आपको पता होगा एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ग्रुप 2 के अंदर 2 पेपर कंबाइन होते थे, अब इन्होंने क्या करा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड बिजनेस डाटा एनालिटिक्स का नया सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस करा है। एफएम तो पहले भी था लेकिन बिजनेस डाटा एनालिटिक्स का नया लॉन्च करके इन्होंने एक नया सब्जेक्ट बना दिया, और मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो पहले एफएम के साथ ही मिक्स होती थी उसको अलग पेपर बना दिया। तो समझो कि तुम्हारे पास कॉस्टिंग कॉस्टिंग के 4 पेपर हो गए एक किस्म से। ग्रुप 1 में कॉस्टिंग हो गई, ग्रुप 2 के अंदर आपका ओएमएसएम में भी थोड़ा बहुत कॉस्टिंग होती है, और पेपर 11 फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस डाटा एनालिटिक्स ये भी कॉस्टिंग और एफएम वाला ही पार्ट हो गया, और पेपर 12 मैनेजमेंट अकाउंटिंग ये भी कॉस्टिंग वाला ही पार्ट हो गया। ये कर दिया इन्होंने, डीटीआईडीटी वहां पे अलग कर दिया। फाइनल के अंदर कराओ तो कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉ पहला पेपर, पहले भी पेपर 13 था आज भी 13 है, मगर अब मेरे को लग रहा है यहाँ पे इन्होंने पूरा कंपनी और डेल में कर दिया होगा। तो अब 100 नंबर का पेपर है, पहले भी लॉ का था अब भी है। दूसरा पेपर एसएफएम था, पहले भी था अब भी है। तीसरा पेपर डायरेक्ट टैक्स का था फाइनल में, इंटरनेशनल टैक्स अब भी है। चौथा पेपर कॉस्टिंग का था अब भी है। ग्रुप 4 के अंदर इन्होंने क्या करा है, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट ऑडिट, कॉस्ट ऑडिट बोलते हैं इसको, ये पहले भी था अब भी है। नेक्स्ट पेपर था पेपर 18 कॉर्पोरेट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, ये पहले भी था अब भी है। 100 नंबर का इनडायरेक्ट टैक्स पहले भी था अब भी है। और अब एक पेपर 20 जो था ना, पहले वो सिंगल पेपर होता था, अब इन्होंने चॉइस डाल दी इसके अंदर। पेपर 28, 20B, 20C इलेक्टिव्स है, इन तीनों में से कोई एक चुनना है आपको, वो आपकी चॉइस है आपको कौन सा चुनना है इलेक्टिव्स के अंदर से। एक पेपर है स्ट्रेटेजिक परफॉर्मेंस एसपीएम बीवी, ये पहले भी था अब भी है। ये 2 पेपर नए इंट्रोड्यूस करे, रिस्क मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप। ये जो रिस्क मैनेजमेंट वाला पेपर और नीचे एंटरप्रेन्योरशिप एंड स्टार्टअप्स है, ये स्टार्टअप वाला पेपर मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ये मेरा कोर है, हम लोग ऑलरेडी सीएस के बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इन्होंने यहाँ भी लॉन्च कर दिया, बहुत अच्छा पेपर है। तो पेपर 20 जो इन्होंने लॉन्च करा उसमें आपके चॉइस है, तीन में से कोई एक पेपर सेलेक्ट कर लो, ये इन्होंने नई चीज करी है। ये इफेक्टिव कब से होगा, जून 23 एग्जाम से पेपर इफेक्टिव होंगे। और एक चीज और, ये जो जून 23 से इफेक्टिव होंगे इसमें कह रहा है कि जो इलेक्टिव है तीनों में से, ये आपको वन टाइम चॉइस मिलेगी, वन टाइम ऑप्शन मिलेगा इलेक्टिव पेपर का, आपको एक ही बार में चुन लेना है। ऐसा नहीं कि एक बार आपने चुन लिया उसमें फेल हो गए तो अगली बार आप दूसरा चुन रहे हो, एक ही बार में चुनना है आपको, तो जोन सा भी चुनना हो। नेक्स्ट जो सिलेबस 2016 वाला है वो दिसंबर 2023 तक चलेगा, दिसंबर 2023 तक चलेगा, मतलब आप पे ये जून वाला अटेम्प्ट है, अभी 2022 वाला, दिसंबर 2022 वाला अटेम्प्ट है, नेक्स्ट जून 23 वाला अटेम्प्ट मिलेगा, दिसंबर 2023 वाला अटेम्प्ट मिलेगा। सिलेबस 2016 वालों को दिसंबर 2023 तक के अटेम्प्ट मिलेंगे। अगर कोई ओल्ड सिलेबस वाला बच्चा है 2022 वाला, और अगर और कोई ओल्ड सिलेबस वाला 2016 वाला और वो अपने आपको न्यू सिलेबस में कन्वर्ट कराना चाहता है, तो उसको 6 महीने का ऑप्शन मिलेगा, 6 महीने का, एटलीस्ट 6 मंथ्स प्रायर एग्जामिनेशन से पहले ऑप्शन मिलेगा, आप कन्वर्ट करा सकते हो। कह रहे ये सारे स्टडी मटेरियल जो हैं, जो ओल्ड स्टूडेंट्स न्यू सिलेबस में आएंगे उनको स्टडी मटेरियल परचेज करने पड़ेंगे पैसे देकर, और जो नए वाले बच्चे होंगे उनको तो मिलेंगे। ये डिटेल्स थी बेटा, बाकी और डिटेल में वीडियो जैसे जैसे क्लैरिटी आएगी क्या क्या कंटेंट है वो बाद में बनाएंगे जब स्टडी मैट्स वेबसाइट पर आ जाएंगे। अभी के लिए मैंने तुम्हारा कंटेंट के हिसाब से बता दी, इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करो ताकि आपके सारे फ्रेंड्स को पता लग सके। एंड थैंक्स अ लॉट, बाय बाय। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर देना।